राशन कार्ड से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी जो है वो आप तक साझा करने जा रहा हूं और आप लोग ये खबर शेयर भी करें ताकि हर किसी के पास ये खबर जो है वो पहुंच सके। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अब नए राशन कार्ड बनेंगे और ये किन लोगों के राशन कार्ड बनेंगे ये उससे हुई जुड़ी हुई जानकारी जो है वो आप तक साझा करने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि काफी लंबे अरसे से लोग जो है वो लगातार ये बात कहते रहते हैं कि नए राशन कार्ड जो है वो नहीं बन पा रहे, आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं जो है वो नए राशन कार्ड बन रहे। पर मैं अब आपको बता दूं कि जिन लोगों के पास ईश्रम कार्ड होंगे, जाने की जिनके पास ईश्रम कार्ड होंगे, तमाम उन लोगों के जो है अब नए राशन कार्ड जो है वो बनेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ईश्रम कार्ड जो है वो किन लोगों के पास है। ज्यादातर ईश्रम कार्ड जो है वो लेबर के जो काम करते हैं या फिर कोई अपना कोई छोटा मोटा काम करते हैं, तमाम उन लोगों के पास जो है वो ईश्रम कार्ड है। उसमें चाहे आप रेडी फड़ी वालों की बात कर ले या फिर तमाम मिस्त्री पेंटर जो भी कोई इस तरह से जो काम करते हैं उनको एक ईश्रम कार्ड जो है उनके पास होता है। कई सारे लोगों ने जो है वो ईश्रम कार्ड बनाए भी हैं और कई सारे ऐसे लोग जो लेबर वर्क करते हैं उनके पास ईश्रम कार्ड नहीं है, तो वो लोग ईश्रम कार्ड भी बनवा लें। और अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कोई रेडी फड़ी वाला है, कोई दिहाड़ीदार है, काम पे जाता है और उसके पास अपना राशन कार्ड नहीं है, तो तमाम उन लोगों के अब जो है नए ईश्रम कार्ड जिनके पास होंगे, नए उनके राशन कार्ड जो है वो बनेंगे। अब कई को खबर ये भी बता दूं कि तमाम लोगों के ये राशन कार्ड नहीं बनेंगे, राशन कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों के बनेंगे जिनके पास ईश्रम कार्ड होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का इसमें साफ तौर पर निर्देश था कि जिनके पास अगर बात की जाए ईश्रम कार्ड है तो उनको जो है वो नए राशन कार्ड जो है वो इशू की जाए। और ये यहाँ तक हमें जानकारी है लगभग अप्रैल मई में इस चीज़ को जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि डिपार्टमेंट जो है वो नए राशन कार्ड तमाम उन लोगों के बना दे जिनके पास ईश्रम कार्ड है। और अभी दिसंबर चल रहा है और अब ये प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है। ईश्रम कार्ड होल्डर्स के लिए अच्छी बात है और ये खाली जम्मू कश्मीर के लोगों की नहीं है, इसमें ईश्रम कार्ड चाहे कहीं का भी हो, क्योंकि भारतवर्ष में पूरे में एक ईश्रम कार्ड चलता है, वो यहाँ भी चलेगा, वो पंजाब में भी चलेगा, वो दिल्ली हरियाणा कहीं के भी आप रहने वाले हैं, वो ईश्रम कार्ड जो है वो हर जगह चलता है। क्योंकि लेबर का काम जो अगर कोई करता है या फिर बाहर से लोग जम्मू से आए हैं, जम्मू से कोई बाहर काम कर रहा है, तो उसका राशन कार्ड जो है वो वहां पर बन जाएगा। और जो यहाँ के रहने वाले ही हैं जिनके पास ईश्रम कार्ड है उनके अगर राशन कार्ड जो है वो नहीं बने हैं तो तमाम उन लोगों के अब नए राशन कार्ड जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। वो डिपार्टमेंट्स में जाकर जो है वो मिल सकते हैं या फिर किसी साइबर सेल में जाकर, वहां पर साइबर कैफे में जाकर वहां पर अपनी जो है वो फॉर्मेलिटीज देने के बाद जो है वो अपना राशन कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पर शर्त एक है, जो ईश्रम कार्ड जो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो दिया गया है उसमें आपका नाम जो है वो जरूर होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, तब ही आपका राशन कार्ड जो है वो बनेगा। और एक अच्छी खबर है तमाम उन लोगों के लिए जो लेबर का काम करते हैं या कुछ सेल्फ एम्प्लॉय हैं, छोटा मोटा खुद का काम करते हैं और उनके पास ईश्रम कार्ड है और पर राशन कार्ड नहीं था, काफी दिक्कतें उन्हें जो है वो झेलनी पड़ती थी, उनके पास राशन कार्ड अपना नहीं होता था, अब वो अपना राशन कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं और बड़े आराम से जाकर वो अपना राशन कार्ड बनवाए और कहीं भी वो रहते हैं और वो जाकर उसकी राशन की सुविधा जो है वो आने वाले दिनों में ले सकते हैं। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, नमस्कार।